इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज मैं आपको एक बहुत ही सावधान करने वाली खबर के बारे में बताऊंगा। मुंबई में वैक्सीन के नाम पर कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना बड़ा छल हुआ, फरेब हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। कोरोना से बचने के लिए जो लोग वैक्सीन को संजीवनी मानकर उसे लगवाने गए, उनके साथ कैसे विश्वासघात हुआ, कैसे उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ। हमने आज की बात में आपको एक बार बताया था कि मुंबई की पॉश सोसाइटी के करीब 2000 लोगों के साथ वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ था। मुंबई के ये लोग कई दिनों से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिर उन्हें वैक्सीन के नाम पर लगाया क्या गया। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, हमारी भी नजर इस खबर पर थी कि आखिर मुंबई में 9 हाई राइज सोसाइटीज में बाकायदा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले जालसाजों ने वैक्सीन के बदले उन्हें पानी लगाया या कुछ और आज इस सवाल का जवाब मिला है। इस केस को लेकर मुंबई पुलिस ने आज बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुंबई में वैक्सीन के नाम पर लोगों को सिरिंज में पानी भरकर चढ़ा दिया गया। वैक्सीन के इन ठगों ने कोविशील्ड की खाली शीशी ली और उसके अंदर सेलाइन वाटर यानी नमक का पानी भरा। मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि यह रैकेट कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों को सेलाइन वाटर यानी नमक के पानी के इंजेक्शन लगा रहा था। वैक्सीन के ये फर्जी डोज एक दो नहीं बल्कि 2000 से भी ज्यादा लोगों को लगा दिए गए। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि फर्जी वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट 3 बड़े अस्पतालों से जारी कराए गए थे। इसके लिए रैकेट ने इन हॉस्पिटल्स के निचले स्तर के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को अपने साथ मिला लिया था। डेटा एंट्री स्टाफ को मामूली रकम देकर फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाए गए। और हैरान करने वाली बात यह है कि फर्जी वैक्सीन लगाने वाले रैकेट में डॉक्टर्स के साथ साथ कई नामी अस्पतालों का स्टाफ शामिल है। फर्जी वैक्सीन के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हॉस्पिटल चलाने वाले दंपत्ति, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग सब शामिल हैं। पुलिस ने शिवम हॉस्पिटल चलाने वाले दंपत्ति को पकड़ा है। शिवम हॉस्पिटल के कैंपस में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को भी अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि हॉस्पिटल के स्टॉक से वैक्सीन के 500 से ज्यादा डोज का रिकॉर्ड गायब है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मलाड मेडिकल एसोसिएशन में काम करने वाले महेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है। महेंद्र सिंह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। इस कंपनी से एक और आरोपी संजय गुप्ता भी जुड़ा हुआ था। रैकेट में राजेश पांडे और करीम अली नाम के दो और आरोपी भी जुड़े हुए थे। राजेश पांडे पहले कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करता था, जिसे हॉस्पिटल ने टर्मिनेट कर दिया था। जो शिवम हॉस्पिटल थी, उनका पहले टारगेट शायद था कि 1,00,000 वैक्सीन प्राप्त करे, जिसके लिए 5 करोड़ के आसपास डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा प्राइमा फिसी लग रहा है कि उतने वैक्सीन उनको टप्पे में नहीं मिले, इसलिए जो कमिटमेंट उन्होंने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं और जो ऑर्गेनाइज करने वाले ये जो रैकेट है, महेंद्र सिंह हो, संजय गुप्ता हो, इन्होंने आगे वाले सबसिक्वेंट कैंप जिसमें ऑथराइज पीरियड भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, उस टाइम जो यूज्ड वाइल्स है उसको यूज करके ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए होंगे, जिसमें कि जो करीम बताता है, जो वैक्सीन सप्लाई करता था, जिनका ट्रेनिंग प्रॉपरली इन्होंने बुलाया कि आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क दिए जाएंगे, जो स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स आ गए, जब उनका ट्रायल दिया गया वैक्सीन देना कैसा है, कैसे वो प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसमें खास करके उनके कहने से नॉर्मल सलाइन वाटर जो रहता है वो दिया गया। उसके बाद कोई इफेक्ट, वो खुद जो आरोपी है उन्होंने भी वो नॉर्मल सलाइन वाटर लिया है। नेस्को सेंटर हो, लाइफलाइन हॉस्पिटल हो, नानावटी हॉस्पिटल हो, इनके लोअर रैंक के जो डाटा ऑपरेटर्स रहते हैं फीडिंग में, उनको ही मैनेज किया गया है। उनके किसी सीनियर ऑफिसर का, सीनियर डॉक्टर्स का इसमें रोल नहीं आ रहा है। मुंबई पुलिस ने फर्जी वैक्सीन रैकेट में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ चीटिंग, फॉर्जरी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईटी एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सख्त धाराएं लगाई हैं, क्योंकि आरोपियों ने मिलावटी वैक्सीन लगाई जो जानलेवा भी हो सकती थी। इसलिए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया है। आरोपियों से अब तक हुई पूछताछ से पता चला है कि फर्जी वैक्सीन लगाने वाले रैकेट ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर 9 कैंप लगाए। इन 9 कैंप्स में 2,053 लोगों को कोरोना वैक्सीन के नाम पर ये फर्जी टीके लगा दिए गए। इस गिरोह ने मुंबई के कांदिवली में 390, परसुआ में 151 लोगों को वैक्सीन के नाम पर ठगा, खार में 365 लोगों को और बोरीवली में 730 लोगों को यह बोगस फर्जी वैक्सीन लगाई। भोईवाड़ा में 207 लोगों को फर्जी टीका लगाया गया, जबकि बांगूर नगर में
30 लोगों को फर्जी टीका लगा। मुंबई पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12,40,000 रुपए जब्त किए हैं। जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद की गई है। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 400 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। इस रैकेट की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने एक SIT बनाई और इसकी जिम्मेदारी DCP लेवल के एक ऑफिसर को दी गई। इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने तकरीबन 2000 के आसपास अभी तक बोगस कैंप्स में बोगस वैक्सीन दिए हैं, ऐसा निष्पन्न हो रहा है। लेकिन एक आरोपी के कहने से इसमें 2-3 जो ट्रायल्स हुए थे उसमें नॉर्मल सलाइन वाटर एडमिनिस्टर करने की प्रैक्टिस की गई थी। लेकिन किसी भी आदमी को अगर वैक्सीन इस तरह का देने का एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वो रियल वैक्सीन नहीं लेता है और उसको कोविड का प्रादुर्भाव या संसर्ग होता है तो ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा है। इसलिए अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इसके सेक्शन लगाया है। 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, इसमें भी आजीवन कारावास की सजा है। ऐसे सीरियस स्ट्रिंजेंट सेक्शंस लगा के कार्रवाई की गई है। ये पूरा नेटवर्क जो इस क्राइम सिंडिकेट में काम कर रहा था उसको पुलिस ने पूरा एक्सपोज किया है। इसमें 2 आरोपी जो अरेस्ट होने बाकी है, जो मेन किंग पिन्स है उसके पीछे पुलिस की टीम है, जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले मुंबई के चारपोक इलाके में शिवम अस्पताल पर ही शक की सुई गई। पुलिस ने BMC से इस बात की डिटेल्स निकलवाई कि अस्पताल को कितनी वैक्सीन अलॉट हुई थी। पता चला कि शिवम हॉस्पिटल को कोविशील्ड वैक्सीन के 17,100 वायल्स अलॉट किए गए थे, जिनमें से 16,884 वायल्स ही इस्तेमाल हुए। मतलब कोविशील्ड की 216 वायल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। शिवम हॉस्पिटल को कोवैक्सीन के 6,250 वायल्स अलॉट हुए थे, इनमें से 5,940 वायल्स ही इस्तेमाल किए गए, यानी कोवैक्सीन की 310 वायल्स का रिकॉर्ड नहीं था। इस तरह कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की कुल 526 वायल्स रिकॉर्ड से गायब थी। इसके बाद पुलिस ने शिवम अस्पताल के मालिक शिवराज पटारिया और उनकी पत्नी नीता को पकड़ा। डेंटल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को भी अरेस्ट किया। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े ये लोग फर्जी वैक्सीनेशन मामले में आरोपी कैसे बने, इंडिया टीवी के संवाददाता राजीव सिंह की इस रिपोर्ट से समझिए। लोगों को वैक्सीन ही दी गई या फिर कुछ और, इस बात को लेकर मुंबई पुलिस के पास अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस भले नहीं है, लेकिन आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि दरअसल आरोपी शिवम हॉस्पिटल से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। अस्पताल के जो संचालक थे उसमें उनकी भी भूमिका थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जब शिवम अस्पताल को अलॉट हुए वैक्सीन को लेकर जानकारी जुटानी शुरू की तो पता ये चला कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिलाकर जो कुल वैक्सीन शिवम अस्पताल को अलॉट हुई थी उसमें से 526 वायल मिसिंग है और इसका कोई रिकॉर्ड भी अस्पताल के पास नहीं है। और उसी मिसिंग वायल का इस्तेमाल इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के लिए किया गया है। हालांकि ये मिसिंग वायल अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ लगी नहीं है। मामला बहुत गंभीर है और इस मामले की जांच BMC भी कर रही है। BMC ने कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट को भी एक चिट्ठी लिखी है और कुछ उनसे अहम जानकारियां मांगी हैं। BMC की हेल्थ कमेटी की चेयरमैन राजुल पटेल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस रैकेट में किसी हॉस्पिटल से वैक्सीन की खाली शीशियों का इंतजाम किया गया और फिर इनमें सलाइन वाटर भरकर लोगों को लगा दिया गया। उनको कहीं वायरस की बोतलें मिली थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने चेक किया तो वायरस में नमक का पानी और सलाइन वाटर मिला है उनको, तो इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो इसी की जांच मुंबई महानगर पालिका भी कर रही है। हमारे हाथ में भी जो वायरस आए हैं इनको हम लोग वहाँ पे अपने फॉरेंसिक लैब में भेज के उसकी जांच करेंगे और जांच करके इसमें क्या क्या डाला गया है उसकी जांच होनी जरूरी है। महानगर पालिका ने सीरम को लेटर लिखा है, महानगर पालिका ने सीरम को इस तरह से लेटर लिखा है कि आपने ये जो वायरस के ये नंबर है, ये बैच नंबर है, ये बैच नंबर किसको दिए है, कहाँ से दिए है, किसके पास से आए, तो ये इससे अपने को मालूम पड़ेगा कि कौन से रुग्णालय से इन्होंने ये वायरस चुराए और या ये वो रुग्णालय वालों ने उनको ये वायरस खाली बॉटल दिए। मुझे लगता है जब तक इन्होंने खाली बॉटलें जमा की होगी उसके अंदर
ये सलाइन वाटर और नमक का पानी भर के उसको फ्रीज करके बाद में वापस लोगों को दिया होगा और यही काम ये करते होंगे, तो बार बार यूज करते होंगे, बार बार वही बॉटल यूज करते होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। कल ही उद्धव सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को फर्जी वैक्सीनेशन कैंप की पूरी डिटेल दी थी। उद्धव सरकार ने इस मामले में अब तक हुई जांच के बारे में भी बताया था। यह समझना भी जरूरी है कि फर्जी वैक्सीनेशन कैंप चलाने वाले रैकेट को पकड़ा कैसे गया। इस रैकेट ने 30 मई को कांदिवली वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी हीरा नंदानी हेरिटेज क्लब में वैक्सीनेशन कैंप लगाया। इस कैंप में सोसाइटी के 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की हर डोज के लिए 1260 रुपए उनसे चार्ज किए गए। जब कुछ दिन इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, तब सोसाइटी के लोगों ने ऑर्गेनाइजर से सर्टिफिकेट मांगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन कैंप के ऑर्गेनाइजर्स ने फर्जी तरीके से वैक्सीनेट किए गए लोगों का डेटा कोविन ऐप में डाउनलोड किया और 8 और 9 जून के दरमियान जब लोगों को सर्टिफिकेट मिले तब लोगों को वैक्सीन को लेकर शक हुआ। दरअसल सर्टिफिकेट में लोगों के नाम तो सही थे लेकिन वैक्सीन लगाने की जगह, वक्त और तारीख सही नहीं थी। इसके बाद लोगों ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें पता चलने लगी। इस रैकेट ने सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी हीरा नंदानी हेरिटेज में ही ये बोगस वैक्सीन नहीं लगाई, 8 और सोसाइटीज में इन लोगों ने ऐसे ही वैक्सीनेशन कैंप लगाए थे। मुंबई पुलिस ने लोगों से कहा है कि अगर इस रैकेट के जरिए किसी ने भी वैक्सीन लगवाई है तो वो मुंबई पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे, शिकायत करें। पूरे मामले की शुरुआत कांदिवली की हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी से हुई। यहां के लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी। लोग पिछले कई हफ्तों से यह सोच कर परेशान थे कि उन्हें वैक्सीन के नाम पर लगाया क्या गया है। आज जब मुंबई पुलिस ने वैक्सीन के नाम पर सलाइन वाटर के इंजेक्शन लगाए जाने का खुलासा किया तो हीरा नंदानी सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। साहब ने तो बोला है कि सलाइन वाटर था लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो क्रॉस चेक होना का बाकी है, क्योंकि कैसे हम लोग उसको भी रिलाई कर सकते, उसने सलाइन वाटर ही डाला होगा। जो हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने मुझे बताया था कि आपके यहाँ से हम लोग 10-12 जन को बुलाएंगे और एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह करेंगे, ज़रूरत पड़ने में हम लोग ब्लड के सैंपल्स भी चेक करेंगे कि आपको कुछ हुआ है कि नहीं। तो ऐसे करके पॉजिटिवली आज उनके तरफ से हम लोग को रिपोर्ट आ रहा है तो ज़रा राहत हो रही है। उस हिसाब से हमको राहत उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारा जो टाइम गया है वो भी प्रशासन बचा ले, क्योंकि आज हमारे 85 डेज आगे चले गए वो बचा ले और सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए जिसका अवैध है या तो जिसको नहीं मिला है, वो अगर हो जाएगा तो हमारा अच्छा काम हो जाएगा। प्रशासन और कोर्ट का हम काफी दिल से थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने तुरंत ये स्टेटमेंट लिया है और हम 390 लोगों के लिए सोचा है और ये हमारे लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा कि भाई हमारे क्या गया है एक वो पता था, हमारे एक जो एक दुविधा है वो खत्म हो जाएगी। इस चीज में हमारी थोड़ी सी दुविधा है कि भाई जो सीरम इंस्टीट्यूट को कौन सा वैक्सीन का बैच नंबर दिया गया है, क्योंकि 30 तारीख को जो हमें वैक्सीन दी गई थी उसके बैच नंबर कुछ अलग होंगे और जो हमारी सर्टिफिकेट जो पे जो बैच नंबर है वो 12-13 तारीख के बैच नंबर है, तो कौन से बैच नंबर को उन्होंने चेक करने भेजा अगर वो हमारी दुविधा है। बट हम प्रशासन से यही मांग करेंगे वो प्रॉपर गाइडलाइन में वो लोग काम करते होंगे और इस चीज का जल्द से जल्द आंसर मिलेगा तो हमारे लिए भी सही हो जाएगा। हमको दूसरा वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है इतना तो मालूम पड़ना ही चाहिए। बहुत दिन हो गए, आज महीना करीबन महीना एक महीना होने को आया है, तो जल्दी से जल्दी मालूम पड़ना चाहिए। अगर दूसरा हमको वैक्सीन लेना है तो हम ले लें और नहीं लेना है तो वो भी हमको बताइए कि नहीं लेना है। सरकार के सामने कोरोना से लोगों को बचाकर रखना एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बड़ी तेजी से अब वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। लोग भी वैक्सीन की अहमियत समझ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन के नाम पर ठगी करने वालों को जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेलने वाले ये ठग, ये जालसाज समाज के असल मायनों में दुश्मन है और इंसानियत के गुनहगार हैं। आइए अब आपको हम कोरोना वायरस के सबसे नए वेरियंट के बारे में बताते हैं जो धीरे धीरे पूरे देश में खतरनाक होता जा रहा है। इसका नाम है डेल्टा प्लस। ये कोरोना का सबसे नया रूप है। कोरोना वायरस में सबसे नया म्यूटेशन है और पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरस के इस नए वेरिएंट के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ये वेरिएंट वायरस का अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली रूप है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोरोना के इस वेरिएंट की चपेट में आ गए तो बचना मुश्किल है। वायरस के इस म्यूटेशन को लेकर अलग अलग धारणाएं, परसेप्शन बन रहे हैं। लोग इस वेरिएंट को लेकर बहुत कंसर्न भी हैं और इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या सबसे नए वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी?
कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरी लहर वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक साबित होगा, क्या इस बार भी लाखों लोग बीमारी की चपेट में आएंगे, क्या इस बार भी अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में चिंता इस बात की है कि कोरोना की जो वैक्सीन वो लगवा रहे हैं या लगवाने वाले हैं वो वैक्सीन डेल्टा प्लस या फिर दूसरे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पर कारगर है या नहीं। आज इन सारे सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, इसके लिए आपको हम एक्सपर्ट्स की बात सुनवाएंगे। सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर थोड़ी डिटेल्स आपको दे दें, आखिर वायरस के इस रूप को लेकर सरकार चौकन्ना क्यों है। असल में हमारे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले पूरे देश में इसके 10 से भी कम मामले थे, वो भी एक या दो स्टेट्स में डिटेक्ट हुए थे। लेकिन जैसे जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार बढ़ी, अलग अलग राज्यों से कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई, तब पता चला कि देश में अब तक 11 राज्यों में ऐसे करीब 50 लोग थे जिनमें कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के साथ पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक तक में मरीजों के अंदर डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। सोचिए, इन राज्यों से 45,000 से ज्यादा सैंपल्स की सीक्वेंसिंग की गई थी, तब जाकर पता चला कि डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट मौजूद है। लेकिन परेशान करने वाली और डराने वाली बात यह है कि जिन मरीजों में यह डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला की मौत हुई, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी 80 साल के एक बुजुर्ग की जान चली गई। इन दोनों ही राज्यों में सरकार अलर्ट है, लेकिन ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि अब तक महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामलों का पता चला है। 20 से ज्यादा केस यहां डिटेक्ट हो चुके हैं और 1 मौत हुई है। इसमें भी रत्नागिरी और जलगांव में 2 जिलों में 16 केस मिले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट यहां जो म्यूटेशन हुआ है वह अभी तक जो हमने एक राज्य शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हम 100 लोगों की सैंपल्स की जीनोमिक सीक्वेंसिंग, होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो करीबन 3500 जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हमें 21 लोगों का पॉजिटिव डेल्टा प्लस का वायरेंट दिखाई दिया है। तो यह 21 लोगों को हम जिन जिलों में से वो आते हैं वो जिलों में हमने उनको आइसोलेट किया है और उनका उपचार भी पूरा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट भी पूरा हुआ है। इसमें एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ डेल्टा प्लस नहीं है, उसको कई व्याधि या कई कोमॉर्बिडिटी थी कि जिसके और एज भी था कि जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो बचे हुए 20 है वो 20 के 20 बिल्कुल दुरुस्त होके अपने घर गए हैं, इसलिए डेल्टा प्लस वायरेंट को कोई बहुत अभी इमीडिएटली डरने वाली बात नहीं है। और यह वायरस अभी बड़े पैमाने पे म्यूटेट भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस वायरस के 20 मरीज मिले हैं, 1 जान गई है, लेकिन ज्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर यह बयान दे रहे थे उसी दौरान डेल्टा प्लस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के अफसर नई गाइडलाइंस तैयार कर रहे थे और तय यह हुआ है कि अब महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में लेवल 3 की रिस्ट्रिक्शंस ही जारी रहेंगे। यानी पहले जिन जिलों में लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से अनलॉक हुआ था अब उनमें भी लेवल 3 वाली गाइडलाइंस फॉलो होंगी और ऐसा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो लेटर सामने आया उसमें कहा गया है कि चूंकि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसको देखते हुए मौजूदा पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी को आधार मानकर पहले जो अनलॉक किया गया था वो अब मान्य नहीं है। अब अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड्स खाली भी हैं तो भी हर जगह, हर जिले, हर शहर में लेवल 3 की पाबंदियां ही लागू होंगी। अब ये पाबंदियां कैसी हैं, क्या होंगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता दिनेश मौर्या की रिपोर्ट देखिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहले मरीज की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार सुपर अलर्ट मोड में आ गई है। पूरे राज्य को लेवल 3 में रखने के आदेश दे दिए गए हैं। आखिर ये लेवल 3 क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ।
यहां से आगे जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए तमाम दुकानें सिर्फ सुबह 7 से लेकर दोपहर 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें वीकडेज में सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक खुले रह सकते हैं, वीकेंड्स में इन दुकानों को बंद रखना होगा। शहर के तमाम जितने भी सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स है, इसके अलावा जो मॉल्स है उन्हें पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। जितने भी रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, वहाँ पर सिर्फ 50% की क्षमता से ही जो है ये होटल्स रेस्तरा चल सकते हैं, और वो भी दोपहर 4 बजे तक। 4 बजे के बाद यहाँ से जो पार्सल की फैसिलिटी जो है ज़रूर रहेगी। लोकल ट्रेनों में आम लोगों के सफ़र करने पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा सलून्स हो, स्पा हो या फिर अन्य जगह, यहाँ पर भी सिर्फ वीकडेज में ये तमाम दुकानें चालू रहेंगी और दोपहर 4 बजे तक, वीकेंड्स में इन दुकानों को बंद रखना होगा। इसके अलावा जो भीड़भाड़ वाली दुकान जगहें हैं उन भीड़भाड़ वाली जगहों पर फ्लाइंग स्क्वाड्स को जो है नियुक्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त हम दादर इलाके में हैं, यहाँ की भी स्थिति मैं आपको बताता हूँ। शाम का वक्त है, पास में रेलवे स्टेशन है, अक्सर यहाँ पर भीड़ होती है, तो यहाँ पर जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स को तैनात करने के आदेश दे दिए गए ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है सरकार के मुताबिक ये बहुत ज्यादा संक्रमण फैलाता है और इसका असर भी बहुत ज्यादा होता है। क्या एक बात समझना बहुत जरूरी है, अब तक जो भी रिसर्च सामने आई है उसमें यह पता चला है कि कोरोना वायरस के ज्यादा वेरिएंट्स या म्यूटेशंस महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। सबसे पहले ये वेरिएंट महाराष्ट्र में ही डिटेक्ट होते हैं और फिर इसके बाद अलग अलग राज्यों में इनके केसेस आते हैं। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में डेल्टा वेरिएंट का पहला केस भी सबसे पहले महाराष्ट्र में डिटेक्ट हुआ था। और ये बात सब जानते हैं कि इस वेरिएंट की वजह से भारत में छह महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर आई, और एक वक्त तो ऐसा था जब रोजाना 4-4 लाख नए केस आते थे। ऑक्सीजन की भारी क्राइसिस देश ने देखी है। अब भी महाराष्ट्र में 9000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं और इनमें भी रायगढ़, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर, पालघर, उस्मानाबाद और सतारा, ये वो जिले हैं जहां कोरोना के हॉटस्पॉट ये इलाके बने हुए हैं। पता चला है कि महाराष्ट्र में नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 733 सैंपल्स को स्टडी किया गया था, और फिर जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तब पता चला कि वायरस 47 बार म्यूटेट हो चुका है। हालांकि आज आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वायरस में म्यूटेशन एक कॉमन बात है, लेकिन वायरस का म्यूटेशन कुछ खास वजहों से होता है। उनका कहना है कि जब वायरस के खिलाफ चारों तरफ से अटैक होता है, यानी वैक्सीनेशन भी हो रहा हो, शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जाती हैं, प्लाज्मा भी होता है, तब ये सारी चीजें वायरस के ऊपर प्रेशर डालती हैं। और यूं समझिए कि अपनी जान बचाने के लिए, बचने के लिए वायरस रंग बदलता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। हालांकि डॉक्टर भार्गव ने वायरस के म्यूटेट होने की सबसे बड़ी वजह बताई, कोविड बिहेवियर का फॉलो न होना। वायरसेस विल म्यूटेट इफ देयर इज अ रैंडम एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन और देयर इज अ इम्यून प्रेशर आफ्टर ट्रीटमेंट, वेदर इट बी बाय वैक्सीन्स, वेदर इट बी बाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और बाय द यूज ऑफ कन्वालेसेंट प्लाज्मा। सो दे विल पुट अ प्रेशर ऑन द वायरस, सो वायरस स्टार्ट्स चेंजिंग टू सर्वाइव। एंड द other reason, if COVID inappropriate behavior is there, then the virus finds excellent host to grow and it becomes more fit and more transmissible, so it becomes robust if COVID appropriate behavior. So uninterrupted transmission due to lack of COVID appropriate behavior, and the virus transits more and acquires fitness. What happens due to mutations? There could be clustering of infections, there could be increased transmissibility, there could be immune escape capability, there could be neutralization escape from monoclonals, and improved binding inside the lung cells and increased severity of the infection. वैसे अब तक कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जो जानकारी सामने आई है उससे पता चलता है कि यह वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक तो है, इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है, उसे बाईपास कर सकता है, इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को चकमा दे सकता है। और चिंता की बात यह भी है कि यह वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं में बहुत तेजी से चिपकता है, इसकी वजह से सीवियर इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। तो डेल्टा प्लस खतरनाक है, इसी की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार भी अलर्ट पर है, क्योंकि यहां भी आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों में इस वेरिएंट का पता चला है। इनमें से 4 तो भोपाल में मिले, जबकि उज्जैन में एक महिला की मौत भी हो गई।
पता चला कि जिन 5 लोगों में ये वेरिएंट मिला उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी, लेकिन उज्जैन में जिस महिला की जान गई है उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका एक और मरीज मिला है। अब तक 4 जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज भोपाल से पाए जा चुके हैं, 2 उज्जैन में मिले हैं, जिनमें से 1 की मौत हुई है। हालांकि खुशी की बात यह है कि इन 6 में से 5 लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी इसीलिए बच गए, लेकिन 1 जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जो उज्जैन की एक महिला थी, वैक्सीन नहीं लगवाने के चलते उन्हें जान देनी पड़ी इसी इलाके में। ये साकेत नगर इलाका है, इससे पहले इसी के पास बरखेड़ा पठानी इलाका आता है, वहां पे पहला वेरिएंट 16 जून को मिला था। 17 तारीख को यह खबर जब फैली तो लोगों में दहशत का माहौल था। सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला बरखेड़ा पठानी और यहां पर ये जो है कहा जाता है इस खतरनाक वेरिएंट पर माना जा रहा है, जो मोनो ऑक्टोनल जो ऑक्टेट जो ये कॉकटेल है उसका भी असर नहीं होता है। हालांकि जो अब जीनोम सीक्वेंसिंग के चलते ये बहुत देर से पता चल पा रहा है कि कितने मरीज हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा तकरीबन 2000 से ज्यादा सैंपल्स भेजे गए थे दिल्ली में, जिसमें एनसीडीसी में, जिसमें से अभी 800 से ज्यादा सैंपल आने बाकी है। यानी अभी भी जो हालात हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कितने लोग जो है इस खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट B1.1.6.7.2 जो ये वेरिएंट है उसमें कितने मरीज जो है वो इस वेरिएंट से संक्रमित है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही खोलने जा रही है। बिना वैक्सीन के तो होगा डिपे जी, अभी भी डेल्टा का वह तो है। तो अभी आपने ये जो खबर सुनी आपके यहाँ से मिला है तो क्या लगा? नहीं, डर तो है। इससे पहला वाला वैक्सीन बरखेड़ा पठानी मिला था तो उसी टाइम से लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा बहुत फैलेगा इधर उधर, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाए। थोड़ा डर तो है, दहशत तो है, बिल्कुल सावधानी रखना चाहिए सर। आप डबल मास्क पहने? मैं डबल मास्क पहने, वैक्सीन में डबल डोज दोनों डोज लगाए। पहले बरखेड़ा पठानी में हुआ, यहाँ जल्दी आ गया ऐसा लग रहा है? हाँ सर, जल्दी आ गया तो मतलब सबको मतलब सावधान रहने की जरूरत है और सबको वैक्सीनेशन मतलब करवा ही लेना चाहिए, मतलब वैक्सीन लगवा लेना। हाँ, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जो डर रहे मतलब गलत जो अफवाह उड़ रही है ना उससे मतलब सबको मतलब डरना नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए मतलब। भोपाल में एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि जिस तेजी से डेल्टा प्लस के मामले सामने आ रहे हैं ये चिंता की बात है और तीसरी लहर के लिए वायरस का ये वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। ये डेफिनेटली हम बहुत चिंतित हैं, सारी भारत सरकार भी चिंतित है और हम सब लोग चिंतित हैं कि डेल्टा प्लस आएगा तो शायद तीसरी वेव के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल हो सकता है और बहुत सारी फैटलिटी हो सकती हैं, बहुत सारे सीरियस केसेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे अभी तक केसेस आए हैं उससे एक आशा बनती है। तो मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, 6 केसेस में से जिनकी डेथ हुई है वो वैक्सीनेटेड नहीं थे और जो 5 केसेस हैं उनमें से 1 जो कल जो रिपोर्ट हुई है उनमें 1 ही वैक्सीन लगी थी। 4 जो मरीज थे उनमें दोनों वैक्सीन लगी थी, वो सब ठीक हैं। जिनको 1 वैक्सीन की डोज मिली थी वो भी ठीक हैं, अब वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, घर पर हैं और उनको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको दूसरी वैक्सीन भी देने के लिए हमने बुलाया हुआ है। तो उस तरह से हमको ये लगता है कि शायद जितना हम सोच रहे थे शायद उतना हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है और शायद हमारी वैक्सीन्स जो हैं वो डेल्टा प्लस भी काम करेंगी। अब सवाल है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट या फिर कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स वैक्सीन को भी चकमा दे सकते हैं? क्या वायरस के इन बदलते हुए रूप पर कोरोना वैक्सीन कारगर है? इसका जवाब भी आज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आया। आईसीएमआर की डीजी ने साफ साफ कहा कि अभी तक जो भी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न पता चले हैं उनमें भारत में दी जा रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कारगर हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि इन वेरिएंट्स की वजह से एंटीबॉडीज थोड़ी कम जरूर हो जाती हैं लेकिन ये वायरस पर असरदार हैं और जहां तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात है कि इस पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी तो इसके लिए स्टडी चल रही है और अगले 7 से 10 दिनों में इसके नतीजे आ जाएंगे। डेल्टा वेरियंट इफ यू लुक एट इट कोवैक्सिन इज इफेक्टिव बट द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज स्लाइटली रिड्यूस्ड 3-fold रिडक्शन एंड इन कोविशील्ड इट इज 2-fold रिडक्शन while in Pfizer and Moderna it is 7-fold reduction. So the antibody response with these variants is reduced. However, you may have a vaccine which has antibody response here and you may have an antibody but that is reduced this much. You may have a vaccine which has antibody response here and that is reduced this much. So ultimately they will probably come out to be together. So
कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वर्क अगेंस्ट द वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोवी टू अल्फा बेटा गामा एज वेल एज डेल्टा दैट इज वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर दीज टू वैक्सीन. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड व्हाट हैपेंस टू डेल्टा प्लस एंड दिस वैक्सीन. सो दैट एज वी सेड डेल्टा प्लस इज प्रेजेंट नाउ इन 12 कंट्रीज 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized. One patient here, or two patients here, or seven here. So it is very localized. And this virus has also been isolated and has been cultured now. And we are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have this results in about 7 to 10 days time, whether the vaccine is working against the Delta plus. This will be first results in the world. It's not available yet anywhere. तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कुछ बड़ी बातें जो पता चली हैं वो ये कि वायरस का यह नया रूप खतरनाक है, तेजी से फैलता है, लंग्स में चिपक जाता है, इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी इस पर कोई असर नहीं होता, यानी सावधान रहने की जरूरत है. दूसरी चिंता की बात यह है कि इसके मामले अभी बढ़ेंगे क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आने में वक्त लग रहा है, कई सैंपल्स के रिजल्ट्स आना भी बाकी हैं. तीसरी बात कि डेल्टा प्लस से कोरोना की तीसरी लहर आएगी यह अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक लोकलाइज जगह ही इस वेरियंट का पता चला है. इसके बड़े पैमाने पर फैलेंगे फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हम संयम बरतें, बेवजह भीड़ न लगाएं, तो वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, फिर चाहे वो कोई भी वायरस हो, क्योंकि वायरस भीड़ में ही पनपता है. अगर हम अब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए रखें, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो फिर वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है. वायरस से बचने का एक तरीका मास्क और दो गज की दूरी है, और दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन. अच्छी बात यह है कि पहले जो वैक्सीन हेजिटेंसी दिख रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है. पहले खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन को लेकर जो झिझक थी वो भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है. आज इंडिया टीवी रिपोर्टर्स देश के कई शहरों में गए, मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन ड्राइव का हाल देखा, और यह देखकर काफी अच्छा लगा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर तो खुद मस्जिद मैनेजमेंट की तरफ से प्रशासन से अपील करके अपने यहां वैक्सीनेशन कैंप लगवाए गए. भोपाल में आज हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ जहांगीराबाद इलाके की मक्का मस्जिद में गए, यहां प्रशासन ने वैक्सीनेशन कैंप लगवा रखा है और बड़ी तादाद में लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की मक्का मस्जिद के जो तमाम लोग हैं उन्होंने एक अनोखी पहल की है तमाम मुस्लिम समाज के लिए कि वैक्सीनेशन करवाएं और उसके बाद नमाज पढ़ने जाए. बेहद जरूरी हो जाता है वैक्सीन लगवाने. जो भोपाल के शहर काजी हैं उन्होंने भी एक फतवा जारी कर तमाम मुस्लिम भाइयों से ये अपील की थी कि वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते तमाम जो ये मुस्लिम समाज देख सकते हैं ये यहाँ इकट्ठा हुआ है. ये मक्का मस्जिद है और उसके पास बकायदा यहाँ पर इस तरीके से वैक्सीन लगाने के लिए लाइन जो है वो लगी हुई है. लगातार इसी तरीके से लाइन दिखाई दे रही है. मस्जिद सामने है और साफ तौर पर जो ऐलान ये किया गया था कि बेहद जरूरी हो जाता है आपके बचाव के लिए इस कोरोना से युद्ध के लिए वैक्सीन लगवाना, जिसके चलते आप वैक्सीन लगवाइए. आज जुम्मे का भी दिन है, ऐसे में मक्का मस्जिद में भी जुम्मे की नमाज पढ़ी गई. नमाज पढ़ने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे. एक वक्त पर 6 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा रही है. खास बात यह कि मस्जिद मैनेजमेंट की तरफ से उन्हीं लोगों को नमाज पढ़ने के लिए आने दिया जा रहा था जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी हो. मस्जिद कमेटी के सदस्यों का कहना है कि नमाज भी जरूरी है, वैक्सीनेशन भी. वैक्सीन लगवाइए. ये देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं 81 साल उम्र है शम्मी भाई की. और शम्मी भाई जी, जी जी, वैक्सीन लगवाई. क्यों जरूरी है वैक्सीन? जरूरी है ना साहब. क्यों? इसलिए कि बीमारी खत्म हो जाएगी. बीमारी खत्म हो जाएगी. हाँ, नमाज पढ़ो, जाकर नाम दो अपने, वो लगवा दो, अपना सुकून मिल जाएगा. मस्जिद में जितने भी जो लोग आ रहे हैं, लगातार 2 दिन कैंप चला है और उस कैंप के जरिए समझाइश देने की कोशिश की गई है. और इस तरीके से जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, आप सभी से पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल. सबसे लगभग हम लोग ये अभी बहुत दिनों से पहले से ही वैक्सीनेशन है. हाँ, सबका. कितने लोगों को 2 दिन में लगा लिया आपने जब से अपील की है? 2 दिन के अंदर हमने जो है 623 लोगों को वैक्सीन लगवाई है. हाँ, और आइंदा भी हम यही काम करेंगे.
देश के दूसरे शहरों में भी जुमे की नमाज के दौरान ऐसी ही तस्वीरें दिखी। लखनऊ में हमारे रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ऐशबाग की मस्जिद में गए। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए नमाज अदा की जा रही थी। ऐशबाग मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली नमाज पढ़वाते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अब भी कुछ लोगों में हिचक है। हालांकि सेकेंड वेव में जिस तरह हर किसी के जान पहचान का शख्स कोई ना कोई कोरोना का शिकार हुआ, उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। जो कि खतरा अभी लंबे अरसे तक रहेगा, लिहाजा ये ड्राइव लंबे अरसे तक जारी रहेगी जब तक कि कोरोना अपने मुल्क से पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। लोग जब आते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए तो आपसे बात करते हैं पर्सनल लेवल पे कि करवा लें ना करवा लें, जो भ्रम की स्थिति उनके मन में हो वो आपसे डिस्कस करते हैं कि नहीं? अरे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में डिस्कस करते हैं और जब उनको समझा दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। और अब सब लोगों ने अपने आँखों से खुद देखा है कि सेकेंड वेव में सब ने अपने कोई ना कोई रिश्तेदार घर वालों को खोया है, इस वजह से बाय एंड लार्ज लोग इसको उस वैक्सीनेशन को सीरियसली टेकअप कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी मेहनत की और अवेयरनेस की जरूरत है। मौलाना खालिद रशीदी वैक्सीन को लेकर जिस हिजक की, जिस हेजिटेंसी की बात कर रहे हैं, कई इलाकों में वो अब भी है। मेरठ में हमारी संवाददाता हिमा अग्रवाल आज मकबरा डिग्गी, शकूर नगर, जाकिर कॉलोनी, लखीपुरा, तारापुरी, ऐसे तमाम मुस्लिम इलाकों में गई। यहां लोग अब भी उतनी तादाद में वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे जितनी उम्मीद थी। अब भी 12-13% लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। इन इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन को लेकर कन्फ्यूजन और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मौलवी, मौलाना, उलेमा लोगों को समझा रहे हैं, कहीं मस्जिद से ऐलान हो रहा है, कहीं पुलिस प्रशासन के लोग उलेमाओं को साथ साथ ले जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु भी वैक्सीन ले चुके हैं, पूरी तरह से ये सेफ है, इसलिए सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। बस आप लोगों से एक अपील करनी है, एक क्लेज करानी है, एक प्रतिज्ञा करानी है कि आप लोग वैक्सीन से पीछे नहीं भागेंगे। देखिए आप दुआ मांगते हैं फिर भी डॉक्टर के यहाँ जब बीमार होते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ऊपर वाला ठीक तो करता ही है, ऊपर वाला आपके साथ तो है ही है, लेकिन डॉक्टर का भी तो रोल है। तो जब डॉक्टर आज की डेट में वैक्सीन ही आपका विकल्प बताए कि कोरोना से बचने का तरीका वैक्सीन है, हम दोनों सिटी मजिस्ट्रेट साहब बता दिए कि खुद प्रत्यक्ष उदाहरण है भाई। इतनी कोशिशों के बाद लोगों को समझ आ रहा है प्रशासन की बजाय मौलवियों और उलेमाओं के समझाने का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को वैक्सीन लेने के लिए कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन उनका भी कहना है कि वैक्सीन को लेकर डर नहीं है, कोई टीका लगाने आया नहीं, जब वैक्सीनेशन की टीम आएगी तो टीका जरूर लगवाएंगे। वैक्सीन हमने कल लगवाई है और दूसरा ये है कि हमने, हमारे उलमाओं ने भी इसकी अपील की है, तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से भी और क्षेत्रवासियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम कोरोना जो हमारे पे कार्यकाल के अंदर उसकी सुरक्षा के लिए हमने जो है वैक्सीन लगवानी चाहिए। और यही हम संदेश देना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि महल्ले में अपने 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 लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको जो है वैक्सीन लगवाएं। लोगों को लगाना चाहिए, जब सरकार दे रही है किसी चीज़ को, कोई फायदे की चीज़ होगी तभी तो दे रही है कि हम उससे कोरोना से लड़ना है, जैसे बीमार हो जाओ इससे क्या फायदा, लगवाना चाहिए। मैं तो लगवा चुका जी, अब दूसरी डोज के लिए जाऊंगा, कार्ड दिया था उन्होंने मेरे को बना के और उसको उन्होंने 1.5 महीने का टाइम दिया था कि 1.5 महीने के बाद आप आके लगवा लेना। हमें वहाँ मालूम नहीं लगा, हमें कोई दिक्कत हुई है लगवाने में, मैम हम तो लगवा लेंगे, मतलब पहुँचा नहीं है, गया भी हो गई तो गाँव वाली बात हुई, पता नहीं चला हो ऐसा हो। वैसे वैक्सीनेशन को लेकर सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि गांव में, कस्बों में, गरीब लोगों में और दूसरे धर्मों के लोगों में भी डर था, खौफ था और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सोशल मीडिया के जरिए फैली अफवाहें। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ही सही अब सभी लोगों को वैक्सीन की अहमियत समझ आ रही है। सेकेंड वेव के दौरान कोरोना ने जैसा कहर बरपाया उसके बाद कोई नहीं चाहता कि तीसरी लहर आए और यह बात उनकी समझ में आने लगी है कि अगर कोरोना की थर्ड वेव से बचना है तो वैक्सीनेशन का ही सहारा है। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर जो खौफ था उसके खत्म होने की एक वजह यह भी बनी कि अब तक करीब 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लोग देख रहे हैं कि जिसे वैक्सीन लगी उसे कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है। यह भी एक वजह है कि लोगों के मन से वैक्सीन का खौफ खत्म हो रहा है और लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। लोग तो टीका लगाने आ रहे हैं लेकिन अब यह वैक्सीनेशन करने वाली टीमों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस काम में लापरवाही ना बरतें। हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं।
बिहार के छपरा से एक ऐसी खबर आई जहां वैक्सीनेशन करवाने वाली नर्स ने बिना वैक्सीन के ही इंजेक्शन लगा दिए। घटना 21 जून की है। छपरा के ब्रह्मपुर इलाके में उर्दू माध्यमिक स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। इस दौरान अजहर हुसैन नाम के युवक का नंबर आया। नर्स ने सिरिंज भी निकाली लेकिन उसमें वायल से वैक्सीन की डोज भरी ही नहीं और खाली इंजेक्शन लगा दिया। इस दौरान नर्स किसी से बात करती रही। क्योंकि आम तौर पर लोग वैक्सीन लेते समय फोटो खिंचवा लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं, तो यह घटना कैमरे में कैद हो गई। और शाम को जब अजहर हुसैन और उसके दोस्तों ने वीडियो देखा तो पता चला कि बिना वैक्सीन के ही इंजेक्शन लगा दिया गया है। जो वैक्सीन लिए उसमें दवा नहीं डाला गया, केवल सिरिंज फाड़ करके सुई दे दिया गया और उसमें दवा नहीं डाला गया। कैसे पता चला आपको? जब पता चला शाम को जब वीडियो मेरा दोस्त लोग देखा लोग सही से, तो उसको पता चला कि बुला के बताया लोग कि तुम्हारे में ऐसी दवा डाला ही नहीं है। ये सबके साथ हुआ है कि केवल आपके साथ ऐसी गलती? ना ना, वो सबका सही है, मेरा ही साथ हुआ है, उनसे मिस्टेक हो गया है और कोई ऐसा वैसा नहीं है। क्या कारण लगता है कि नहीं लग पाया वैक्सीन अब? जी वो कोई बात में ऐसी हो गई थी और वो शायद ध्यान नहीं दी, इसलिए उनसे ये हो गया। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है गलत। अब आपको अजहर के दोस्त अमन की बात सुनाते हैं। अमन ने ही वीडियो बनाया था। हालांकि अजहर की तरह अमन का भी कहना है कि नर्स का इरादा गलत नहीं था, वो बातों में इतनी मशगूल हो गई कि वो इंजेक्शन में वैक्सीन भरना ही भूल गई। जैसे 21 तारीख को हम लोग वैक्सीन लेने आए इसमें उर्दू मध्य विद्यालय में, तो पहले मेरा वैक्सीन पड़ा तो उसमें वैक्सीन था, तो मेरा दोस्त मेरा फोटो लिया। उसके बाद जब वो वैक्सीन ले रहा था तब तो हम उसको वीडियो बना लिए, और वीडियो बना लिए तो फिर हम लोग उस टाइम नहीं देखे वीडियो में क्या है क्या नहीं। शाम को जब घर पे गए लो तो देखे कि इसमें तो सिर्फ ऐसी दे दिया है इंजेक्शन, उसमें वैक्सीन था ही नहीं। 21 तारीख को लगभग 150 पड़ा था इसमें वैक्सीन 150 लोगों को, वो उनसे थोड़ा बात करने में वो लग गई थी, इसीलिए उनसे मतलब भूल हो गई, गलती हो गई है। और किसी के द्वारा इस तरह की शिकायत नहीं? और किसी को नहीं, बस एक मेरे दोस्त को ही हुई थी, बाकी सबको वैक्सीन पड़ा था। दिल्ली में एक बार फिर से ऑक्सीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की एक रिपोर्ट का हवाला देकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था तब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की डिमांड 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर बनी एक ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक देश में ऑक्सीजन संकट के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। समित पात्रा ने रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन के नाम पर गंदी राजनीति की। अप्रैल 25 से लेके मई 10 तक, उस समय कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव था वो अपने चरम पर था। उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी, लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को कोविड बेड, इन सब की आवश्यकता थी। मगर आज तक ये विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 times इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया।
बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर ऑक्सीजन को लेकर आरोप लगाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने लिखा, मेरा गुनाह कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। मैं लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सामने आए। सिसोदिया ने कहा कि जिस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के मेंबर से बात की है, ऑक्सीजन पर कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, ना तो ऑडिट कमेटी ने किसी रिपोर्ट को अप्रूव किया है, ना ही कमेटी के किसी मेंबर ने किसी रिपोर्ट पर दस्तखत किए हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। अब आज के एक और विवाद के बारे में आपको बताता हूं। आज मोदी सरकार के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सुबह सुबह चौंक गए। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उनका ही अकाउंट ऑपरेट करने से रोक दिया। करीब एक घंटे तक ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक रखा जिसकी वजह से रविशंकर प्रसाद अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए। बात बढ़ी तो ट्विटर ने 1 घंटे के बाद रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बहाल कर दिया। ट्विटर ने कार्रवाई के पीछे अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन को वजह बताया। ट्विटर की इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद जमकर भड़के। रविशंकर प्रसाद ने बाद में ट्वीट किया कि यह मनमानी की हद है। उन्होंने लिखा कि ट्विटर का एक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गाइडलाइंस के नियमों का खुला उल्लंघन है। ट्विटर ने कार्रवाई करने से पहले मुझे नोटिस नहीं दिया। इस पूरे मामले में ट्विटर ने क्लारिफिकेशन भी दिया। ट्विटर ने कहा कि उसने डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट नोटिस के कारण केंद्रीय मंत्री के अकाउंट के एक्सेस को अस्थायी रूप से रोका था। इसके बारे में उसे शिकायत मिली थी। सवाल है कि ट्विटर भारत में अमेरिकी कानून के हिसाब से काम करेगा या भारत के कानून के हिसाब से। ट्विटर के रवैये से यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर को सही तरीके से काम करना सिखाने का भी वक्त आ गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि रविशंकर प्रसाद के साथ हुए वाकये पर वो ट्विटर से जवाब मांगेंगे। भारत में ट्विटर के करीब 2.25 करोड़ यूजर्स हैं। जितने ज्यादा यूजर्स उतनी ज्यादा कमाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपनी होम डिस्ट्रिक्ट कानपुर गए, लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने दिल्ली से कानपुर का सफर ट्रेन में किया। राष्ट्रपति दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से महाराजा एक्सप्रेस में सवार हुए। शाम को वो कानपुर सेंट्रल पहुंचे। कानपुर में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। ऐसा 15 साल के बाद हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति ने ट्रेन से यात्रा की। इससे पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेन पर चढ़े थे। उन्होंने 2 बार ट्रेन में सफर किया था। पहली बार 2003 में वो चंडीगढ़ गए और दूसरी बार देहरादून जाने के लिए उन्होंने ट्रेन से यात्रा की थी। और अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। दिल्ली में जब से कश्मीर को लेकर मीटिंग खत्म हुई है, पाकिस्तान में रत जगा क्यों हो रहा है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।